बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डेमो क्लास बेस्ड टू एएसआई की टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। हम बेस्ड टू स्टार्ट कर रहे हैं, इसके यही आप लोगों को हमने इनवाइट किया है कि आप ये डेमो क्लास ज्वाइन कर सकें। सबसे पहले तो आप सब लोगों का वेलकम है। और दूसरी बात कि इस पूरी बेच में या ये क्लासेस हैं इसमें क्या क्या चीजें होंगी पहले ये देखेंगे, उसके बाद आज का जो पहला लेक्चर है हमारा वो भी आपको जो है दिया जाएगा। तो किस तरह हमारे क्लासेस चलते हैं ये सारा आपको प्रोसेस भी पता लग जाएगा। तो हम अगर देखें एएसआई के पेपर, तो एएसआई का पेपर जो पैटर्न है सिलेबस आ चुका है, और एएसआई के पैटर्न के किस तरह होंगे पेपर देखिए। आपके एक दिन में तीन पेपर होंगे, एक घंटे का एक एक पेपर होता है, ठीक है। पहला जो पेपर होता है लेट्स सपोज एमसीक्यू का है, तो उसमें जीके और जितने भी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जीके के साथ वो सारे 50 मार्क्स का एमसीक्यू का पोर्शन होता है। इंग्लिश का पेपर होता है ऐसे प्लस 10 मार्क्स ग्रामर के होते हैं, इंग्लिश में 30 मार्क्स का ये पेपर होता है। फिर थर्ड पेपर होता है एक्चुअली फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सिंधी होता है, फिर इंग्लिश होता है, देन थर्ड जो है जीके का होता है। तो इस तरह सिंधी या फिर उर्दू का ऐसे आता है, तो दो ऐसे के पेपर होते हैं और एक जीके का पेपर होता है। इस तरह एक दिन में तीन पेपर होंगे, 3 घंटे के पेपर होते हैं, और 3 घंटे में तीनों पेपर हो जाते हैं, बट बीच में 15 मिनट आपको दिए जाते हैं, तो इसलिए आधा घंटा 3.5 घंटे आपके हो जाएंगे वहीं पे। अब इस तरह आपका पेपर होगा एएसआई का, ठीक है। अब इसमें सिलेबस क्या है, किस तरह आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सिलेबस, तो देखेंगे। ऐसे का इंग्लिश का अगर हम पोर्शन की बात करें तो 300 वर्ड का एक आपको ऐसे पढ़ाया जाएगा, ग्रामर 10 सेंटेंसेस होंगे, ठीक है। हर एक सेंटेंस में एक जो है आपको मार्क मिलेगी, उसमें दो कोई वोकैब होगी और 7-8 आपके जो है एरर डिटेक्शन होगी जो ग्रामर के होते हैं। अब एसपीएससी में आपने यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों को देखे होंगे, बहुत सारे न्यू न्यू टीचर्स भी आ चुके हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीएसएस के ऐसे को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है जी। तो आपको क्या कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। ये जो ऐसे है ना ऐसा है का, ये 300 वर्ड्स का है, ये समझने के मैट्रिक में जो आप ऐसे लिखते हैं उस टाइप का ही है। और इसमें ये नहीं कि आप ऐसे में फेल हो गए तो आपका टेस्ट फेल हो गया, इसमें मार्क्स हैं। ऐसे आपको नहीं भी आता, इन केस आपको नहीं आता, कुछ ना कुछ लिखने आता है आपने। कोई लेट सपोज एक जो है सोफे का आपने पेपर लिख दिया, कुछ भी लिखा, कुछ ना कुछ तो लिखा होगा ना रिलेटेड टू टॉपिक, फिर भी आपको 5-6 मार्क्स दे दिए जाते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि 0 मार्क्स दे दें। बट ऐसा है कि ऐसे की तैयारी किस तरह करनी है आपको, सीएसएस टाइप या जैसे आउटलाइन आपको बता रहे थे, जैसे आपको लोग यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि भाई इंट्रो देना है, कंक्लूजन करना है, फिर बॉडी बनानी है, उसके बाद रूल्स फॉलो करने हैं, ये सारी चीजें। तो देखिए मुझे पता है जो ऐसा की तैयारी कर रहे हैं उसमें 90% लोग जो होते हैं वो सीएसएस वाले नहीं होते, पीएमएस वाले नहीं होते, जिनको ऐसे का एबीसी भी नहीं आता, ठीक है। तो उनके लिए ये जो एएसआई का पेपर होता है इसमें जो ऐसे होता है वो बहुत ही प्रेडिक्टेबल होता है। 3-4 टॉपिक होते हैं जो हर बार दिए जाते हैं, उनसे रिलेटेड एंगल चेंज हो जाती है। तो आपको इस जो पूरे कोर्स में है एक तो वो 10-15 बने बनाए ऐसे जो अथेंटिक आपको सिर्फ 300 वर्ड्स के याद करने होंगे। इन केस आपको अलग चीज आ जाती है वो उन 10 में से नहीं आ जाती, तो आपको रूल्स भी पढ़ाया जाएगी, आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, तो बिल्कुल बच्चों जैसा आपको पढ़ाया जाएगा ऐसे लिखाया जाएगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क लें। दूसरी बात एसपीएससी में अगर ऐसे लिखते हैं या कोई आपका जो है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है जिसमें आप थ्योरी लिखना होता है, डिस्क्रिप्टिव जिसको हम कहते हैं, तो उसमें मार्क्स लेने के ना कुछ ट्रिक्स हैं एसपीएससी में, बहुत ही आसान होते हैं। तो आप अगर उन ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो आपके हाईएस्ट मार्क्स आ जाते हैं एज कम्पेयर टू दूसरे कैंडिडेट्स के। उसमें भाई आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी होती हैं तो उसमें आप कवर हो जाती है ये सारी चीजें। आपको पूरे ऐसे की ट्रिक बताई जाएगी, वो इंग्लिश के लिए भी सेम है, सिंधी के लिए, उर्दू के लिए, ये सारी चीजें आपको वहां पर कोर्स में बताई जाएंगी और टॉपिक्स भी सिलेक्टेड आपको बताए जाएंगे, ठीक है। आपको इस तरह नहीं कि सीएसएस में जैसे पढ़ाया जाता है पूरा ऐसे का भाई टाइप्स ऑफ ऐसे किस तरह होते हैं और उनको किस तरह लिखना होता है, स्टार्टिंग कैसे करनी होती है ऐसे की, ये सारी चीजें फजूल है आपके लिए इस टाइम पे, क्योंकि 300 वर्ड्स में क्या लिखना है आपको, ठीक है। बेसिक फॉर्मेट आपको होना चाहिए, अच्छा डेटा और ग्रामेटिकली अच्छे तरीके से आपने अगर लिखा है तो आपका ऐसे आराम से लिखा जाएगा। स्पेशली इंग्लिश में है तो आपको सिंपल सेंटेंसेस यूज नहीं करने, आपको कंपाउंड सेंटेंसेस यूज करने करने हैं, कंजक्शन आनी चाहिए। ऐसे के बाद हमारा जीके का पोर्शन आता है, ठीक है। जीके में आपके 50 मार्क्स होते हैं, इसमें जीके में आपको पाकिस्तान स्टडी, जीके, मैथ, साइंस और उसके अलावा करंट अफेयर के जो सवाल आते हैं बहुत ही प्रेडिक्टेबल होते हैं। चंद ही टॉपिक है हर एक सब्जेक्ट के जहां से ये एमसीक्यूज आती है। अगर आप देखें जीके में पाकिस्तान स्टडी में तो माउंटेन्स पे एक दो सवाल हमेशा आ रहा है, पास पेपर में जाके देखना माउंटेन्स से आपको आएंगे, ज्योग्राफी को फॉलो किया जा रहा है, ऐसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जहां से ये देते हैं। तो हम आपको डिटेल में सारी चीजें पढ़ाएंगे, उसके साथ फिर टोकन सवाल जो ये होते हैं वहीं से आते हैं, आपको ये सवाल दिए जाएंगे और मोस्टली पेपर वहीं से आता है। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं एसएसटी एसपीएससी में एसएसटी के पेपर हुए थे उससे पहले टीएमओ के हुए थे, आईबीएम में 5 से 15 ग्रेड के हुए थे उससे पहले जीएसटी पीएसटी के हुए थे, जितने भी मैंने आपको पेपर से एक दिन पहले एडजस्ट किए थे और वही चीजें आपको पेपर में मिली थी। तो इस वजह से क्योंकि हम थोड़ी रिसर्च करते हैं कि ये पैटर्न इनका क्या होता है, किस तरह फॉलो करते हैं, कौन सी वेबसाइट या बुक कोई हो एसपीएससी है या आईबीए है फॉलो करती है, तो उसी तरह हमारे गेस्ट भी आपको लगते हैं और मोस्टली स्टूडेंट जो है इस चीज को जो फॉलो करते हैं उनको पता है कि ये सारी चीजें जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं या गेस्ट करते हैं वो चीजें लगती भी है नेक्स्ट डे पेपर में। तो इनशाला आपको ये सारी चीजें जीके के पोर्शन में पढ़ाया जाएगा और केस एमसीक्यू नोट्स भी सारे प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है जी। अब क्लासेस के बारे में आते हैं, क्लासेस कब होंगे, तो देखें क्लासेस जो है
वो हमारे आज तो डेमो क्लास है, मंडे से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होगी आपको लाइव, जैसे अभी जूम पे चल रहा है लाइव क्लास होगा, इसकी ही क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी ठीक है। इनके साथ लाइव नहीं ज्वाइन कर सकते तो उस क्लास का रिकॉर्डेड लेक्चर भी सुन सकते हैं। आपको नोट्स जो हम कह रहे थे गेस्ट नोट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ऑथेंटिक और समराइज नोट्स होंगे, आपको ऐसा नहीं कि बहुत सारे नोट्स दिए जाए, ताकि आपको थोड़े चीजें पढ़ने में ऑथेंटिक चीजें मिल जाए। लेट्स सपोज 100 एमसीक्यूज है तो उसमें 10-5 एमसीक्यू जो है आपको मिल जाए टेस्ट में। इसी तरह आपके गेस्ट टेस्ट होते हैं, आज का जो लेक्चर हम करेंगे उसके एंड में आपका क्विज लिया जाएगा। तो डेली इस तरह क्विज होता है, वीकली टेस्ट होते हैं और पास्ट पेपर्स को देखकर हर एक पास्ट पेपर का हर एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे, उसके आसपास जितने भी रिलेटेड एमसीक्यूज हैं उनको भी आपको पढ़ाया जाएगा। क्लास की टाइमिंग 9:30 बजे है, 9:30 बजे 10 के बीच में होती है क्योंकि लाइट और इंटरनेट का कभी कभी इशू हो जाता है। कोशिश करते हैं 9:30 बजे तक क्लास आपका हो जाए, इनकेस दो क्लास होते हैं तो फिर 9:30 से 11 बजे तक क्लास चलेगा, अगर एक क्लास है तो 9:30 से 10:30 बजे या 10:15 बजे तक क्लास होगा। एक ही क्लास काफी होता है, उसके साथ आपके दूसरी एक्टिविटीज भी होती है। ये हमारे बैच 2 का ग्रुप है, इसमें आपको ज्वाइन करना है। अच्छा, अगर आप करना चाहते हैं ज्वाइन तो यहाँ पे इजी पैसा अकाउंट है, यहाँ पे आपने इजी पैसा करना है 1500 पर मंथ के हिसाब से। टोटल फीस जो है 3000 है, तो पर मंथ के हिसाब से 2 महीने का कोर्स है तो पर मंथ 15000 आपको 1500 आप दे सकते हैं। अगर कोर्स आगे चलता है 3 महीने चलता है तो जो 3rd मंथ है उसकी फीस नहीं देनी, सिर्फ 3000 ही देनी है ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे जब तक एएसआई का टेस्ट नहीं होता, क्योंकि एएसआई का टेस्ट अभी जैसे ही ये फिजिकल टेस्ट कंप्लीट होते हैं 16 अक्टूबर तक, 16 अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में ये मेरे हिसाब से दिसंबर में आपके टेस्ट हो सकता है एएसआई का रिटर्न ठीक है जी। इस तरह आपको ये हमने कोर्स कराना है, जीके का सब्जेक्ट है, हम जीके पढ़ेंगे। तो जीके में ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करवाए जाएंगे। पहला टॉपिक जो है हमारा आज जो हम करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड मैप। टाइम बहुत कम है इसलिए मैं थोड़ा स्पीडी चल रहा हूँ ताकि आपके सवाल के भी जवाब दे सकूं, आप एंड में सवाल कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड मैप है, सबसे पहले हम वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे क्योंकि जीके पढ़ने से पहले आपको वर्ल्ड मैप का पता होना चाहिए। वर्ल्ड मैप से आप जीके पढ़ते हैं तो आपको चीजें याद जल्दी रह जाती है, ऐसे रटा लगाएंगे तो चीजें याद नहीं होंगी, कॉन्सेप्ट याद नहीं होंगे। तो एसपीएससी में जो पेपर देते हैं ना, अगर आपने सीसी का पेपर देखा है 2023 का, तो वहां पर सारा कॉन्सेप्चुअल आया था, मैप से आया था। तो आप लोग जो है रटे लगा के बुक से पढ़ते हैं फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इतने लोग फेल हुए हैं एसपीएससी में। सीसी जो हुई थी उसकी वजह यही थी कि ज्योग्राफी सही से पढ़ते नहीं है, वर्ल्ड मैप सही से पढ़ते नहीं है, तो 10-15 सवाल तो वहीं से थे, तो इस वजह से इतने लोग फेल हुए कि उन्होंने टेस्ट रिकंडक्ट किया, क्योंकि इतने लोग भी पास नहीं हुए कि वो दोबारा रिटन टेस्ट ले सके। तो इस वजह से इनका दोबारा हो रहा है, तो हम जीके को सही तरीके से पढ़ेंगे मैप्स के थ्रू, वर्ल्ड मैप को देखेंगे आपको पढ़ाएंगे। तो पहला आज का जो लेक्चर है वर्ल्ड मैप का इंट्रो है, तो हम इंट्रोडक्शन करेंगे। ये हमारा वर्ल्ड मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी दुनिया है, दुनिया जो गोल है हमारी ग्लोब है, इसका जो सरफेस है यहाँ पे जमीन भी है और पानी भी है। तो जमीन जो है 7 हिस्सों में बांटी गई है जिनको कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ये एशिया कॉन्टिनेंट है, इसके साथ यूरोप बिल्कुल साथ मिला हुआ है, इसके नीचे है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये तीनों कॉन्टिनेंट बिल्कुल साथ में है। 2 कॉन्टिनेंट यहाँ दूर दूर है, नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पे नीचे साउथ अमेरिका है, फिर यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, इसके नीचे ये एंटार्क्टिका है ठीक है। तो 7 कॉन्टिनेंट्स में ये बांटा गया है जो हमारी अर्थ है, और जो लैंड मासेस है जिसकी जमीन है वो 7 कॉन्टिनेंट में बांटी गई है, डिवाइड की गई है। इसी तरह समुद्रों में महासागर होते हैं, ओशियंस होते हैं, तो 5 ओशियन से बड़े ये वाला जो ओशन है इसको कहते हैं पैसिफिक ओशियन, ये बीच वाला जो है इसको अटलांटिक ओशन कहा जाता है, ये इंडियन ओशन है, इसके नीचे यहाँ पे ये सदर्न ओशन आता है और ऊपर ये आर्टिक ओशन आता है। तो कॉन्टिनेंट्स को अगर हम देखते हैं तो एरिया वाइज इलाका मतलब जमीन कितनी है एराजी के हिसाब से, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, दूसरे पे है अफ्रीका, तीसरे पे है नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे है साउथ अमेरिका, 5वें नंबर पे एंटार्क्टिका है, 6ठे नंबर पे यूरोप है और 7वें पे है ऑस्ट्रेलिया। ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, देन एंटार्क्टिका है और यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। पॉपुलेशन के हिसाब से मतलब आबादी लोगों के हिसाब से कि ज्यादातर लोग कहाँ रहते हैं, सबसे ज्यादा लोग रहते हैं एशिया में, दुनिया में जितनी भी आबादी है उसके 60% एशिया में रहते हैं लोग, दूसरे नंबर पे अफ्रीका है। तो यहाँ पे देखें एराजी और पॉपुलेशन में पहला और दूसरा नंबर सेम है, तीसरा नंबर चेंज आता है, 3rd पे है पॉपुलेशन में यूरोप ठीक है, यूरोप है, 4th पे नॉर्थ अमेरिका आता है, 5th पे साउथ अमेरिका, 6th पे ऑस्ट्रेलिया एंड 7th पे एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में कोई इंसान नहीं रहता, यहाँ पे सिर्फ रिसर्च होती है। एंटार्क्टिका ऐसा कॉन्टिनेंट है, कंट्री कोई नहीं होती, जी टीचर कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ, आपको हर सब्जेक्ट में पढ़ूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं आपको सिर्फ टेस्ट पास करना है, टेस्ट के हिसाब से हर एक सब्जेक्ट को उस हिसाब से आपको टू द पॉइंट चीजें पढ़नी है, इसमें कोई हर इस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जरूरत भी नहीं होती। एक एक्सपीरियंस टीचर चाहिए जो आपको गाइड करे कि किस चीज को पढ़ना है, किस चीज को नहीं पढ़ना ठीक है ना। ये जो रटू तोते होते हैं फिर आपके कॉन्सेप्ट में यही दिया गया है, हमारी अकेडमी में इतने टीचर हैं, ये हैं, उन टीचर्स को खुद कुछ नहीं आता कि टेस्ट में क्या चीजें आती है, सिर्फ अपने सब्जेक्ट में माहिर होंगे, बट ये जरूर नहीं कि आपके सब्जेक्ट में कोई इंसान माहिर हो, उसको ये भी बताना चाहिए मेरे सब्जेक्ट से क्या चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो एसपीएससी या कोई और जो टेस्टिंग सर्विस है वो देता है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को अगर आप लेते हैं तो ये बड़ा समंदर हो जाता है। तो आप में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी या किसी भी स्टूडेंट में कि हर एक सब्जेक्ट को इतना डेप्थ में पढ़े, तो आपको टू द पॉइंट स्मार्ट वे से पढ़ना होता है, क्योंकि आपको टेस्ट क्लियर करना होता है, ना कि आप कोई फिलोसफर बनना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर ठीक है ना। तो आपको एक टीचर ही काफी होता है अगर आपको सही से गाइड करता है, पढ़ना स्टूडेंट को होता है, टीचर को नहीं पढ़ाना होता कि आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट रटा दे आपके दिमाग में बिठा दे, आपको खुद पढ़ना होता है, गाइड करेगा टीचर कि ये पढ़ो ये ना पढ़ो। जितने भी लोग 90s में मार्क्स लेते हैं ना वो भी खुद से पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी दे।
तो सिर्फ एक अच्छे टीचर की, अच्छे सीनियर की गाइड की जरूरत होती है। तो वो गाइडेंस आपको हम देंगे, कंसेप्ट जो चीज के क्लियर करवाने होंगे आपको वो क्लियर किए जाएंगे। तो ये जो टेस्ट का सिलसिला है, ये जो एसपीएससी, फेडरल पब्लिक सर्विस दिया गया, एनटीएस, पीटीएस था, ये सारे टेस्टिंग एजेंसी जो 12 साल से हम ये टेस्ट दे रहे हैं, इनके टेस्ट को हम देख रहे हैं कहाँ से आते हैं। तो आपको इस तरह गाइड किया जाएगा कि आप शॉर्ट टाइम में भी चीजों को जल्दी में कवर कर लें। ठीक है, एक एक यहाँ पे एक सोशल मीडिया का इंसान है जो आपको हजारों नोट्स भेजता है, हजारों नोट्स आपको उसके ग्रुप में मिल जाएंगे। अगर कोई इंसान आपको 10,000 एमसीक्यूज बेच रहा है, उसमें से 10 एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं उसको क्रेडिट जाता है। अगर कोई इंसान 100 एमसीक्यूज आपको दे रहा है और 100 में से 10 एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो उस इंसान को क्रेडिट जाएगा, क्योंकि उसने हजारों एमसीक्यूज में से सिलेक्टेड 10 आपको दिए, उसको पता था कि ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, वो क्लेम कर सकता है हाँ मेरे नोट से ये चीज आई। ऐसे नहीं कि आपको 10,000 एमसीक्यूज देकर फिर मेरे नोट से ये चीज आती, वो तो फिर यही है ना कि बेवकूफ बनाना। तो ये जो सवाल करते हैं, कितने कितने टीचर हैं, टीचर की जरूरत नहीं होती, टीचर एक ही काफी होता है अगर सही से गाइड करे। आपको पढ़ना होता है, जिनको आवाज सही नहीं आ रही है, जिनका मसला है, तो आपका इंटरनेट का इशू होगा और इस वजह से वॉइस नहीं आ रही होगी, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुन सकते हैं, वहां पे आवाज क्लियर आएगी रिकॉर्डेड में। तो देखिए, वर्ल्ड मैप पे हमने पढ़ा, ये हमारा वर्ल्ड मैप है जिसमें हमने 7 कॉन्टिनेंट्स पढ़े। थोड़ा स्पीडी इसलिए चल रहा हूँ, अगेन मैं बता रहा हूँ कि आज का लेक्चर जो है इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो टाइम की कमी की वजह से 7 ऑप्शन है, जिसमें एक सबसे बड़ा है पैसिफिक और समालेस्ट है आर्टिक ओशन। दुनिया में टोटल रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज या इंडिपेंडेंट कंट्रीज 195 है, ये याद रखना है 195। ये सवाल पहले भी आ चुका है, क्योंकि यूएनओ ने 195 कंट्रीज जो है उसके मेंबर हैं, 193 यूएनओ के मेंबर हैं और 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज है यूएनओ को। यूएनओ क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको यूएनओ कहा जाता है, ये दुनिया की, पूरी दुनिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये कब फाउंड हुई थी? 1945 में, और इसके 193 मेंबर्स हैं। ठीक है, 193 मेंबर्स में से यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल होता है इसका, जिसको वीटो पावर कहते हैं। तो वीटो पावर कंट्रीज कितनी है? यूके, यूएसए, रशिया, चाइना और फ्रांस, ये 5 कंट्रीज हैं जिनको वीटो पावर है। उसके अलावा वीटो पावर इसलिए है कि ये एक न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर बम है, और टोटल रिकॉग्नाइज 9 कंट्रीज हैं, 9 कंट्रीज हैं जिनके पास ऑफिशियली रिकॉग्नाइज हैं कि इनके पास न्यूक्लियर पावर है, 9 कंट्रीज। ये सवाल भी आ चुका है एएसआई की टेस्ट में। ठीक है जी, अर्थ का जो सरफेस है 71% वाटर है और 29% लैंड है। तो हमारी जो अर्थ है यहाँ पे देख सकते हैं, तो 71% जो है वो वाटर मिलेगा और 29% आपको जमीन होगी। दुनिया में जो 10 बड़े कंट्रीज हैं जमीन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, वो रशिया है, उसके बाद कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना एंड पाकिस्तान एंड अल्जीरिया। ये सारे कंट्रीज हम देखेंगे, इन सब कंट्रीज को देखेंगे, कहाँ पे इनकी लोकेशन है, इनके कैपिटल्स देखे जाएंगे, क्योंकि कैपिटल 2 आते हैं एएसआई की टेस्ट में, 2 कैपिटल के सवाल आते हैं और करेंसी से। पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे, सबसे बड़ा इंडिया है, 1.45 बिलियन इसकी पॉपुलेशन है, लोग रहते हैं यहाँ पे। चाइना दूसरे नंबर पे है, अब 1.44 है, ये याद रखना। अब इंडिया पहले नंबर पे, तो करंट अफेयर में आ सकता है ये सवाल। यूएसए 331 मिलियन है, फिर इंडोनेशिया है, 5वें पे पाकिस्तान है, तो याद रखना पाकिस्तान पॉपुलेशन के हिसाब से 5वां बड़ा मुल्क है दुनिया का। और 6 नंबर पे है ब्राजील, 7 पे है नाइजीरिया, 8 पे है बांग्लादेश, 9 पे है रशिया एंड 10 पे है मेक्सिको। तो ये सारे कंट्रीज हैं जो पॉपुलेशन के हिसाब से बड़े हैं। समालेस्ट कंट्रीज जो 5 कंट्रीज हैं, एक है वेटिकन सिटी। ये वेटिकन सिटी दुनिया का ऐसा मुल्क है जो किसी एक शहर के अंदर है, एक रोम शहर है इटली का। ठीक है जी, यहाँ पे रोम के अंदर, इटली के शहर के अंदर ये पूरा कंट्री है वेटिकन सिटी। तो यहाँ पे 10,000 लोग रहते हैं, सबसे समालेस्ट कंट्री यही है। दूसरे नंबर पे मोनाको है, तीसरे नंबर पे है नारू। नारू जो है ये सिमालेस्ट रिपब्लिक भी है। ठीक है, नारू जो है सिमालेस्ट रिपब्लिक कंट्री, ऐसा भी आता है सिमालेस्ट कंट्री आ जाए तो वो वेटिकन सिटी होगा। इन केस कहते हैं कि दुनिया का सिमालेस्ट रिपब्लिक कंट्री कौन सा है, तो वो नारू होगा। ठीक है, ये याद रखना है। ये आइलैंड है, एक आइलैंड कंट्री है, और इसका कोई कैपिटल नहीं है। नारू ऐसा कंट्री है जिसका कोई कैपिटल नहीं है। ठीक है, 5वें नंबर पे तालू है, एंड चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे है सैन मारिनो। सैन मारिनो भी इटली के अंदर ही आता है, ये पूरा कंट्री है एक। ठीक है जी, तो यहाँ पे वर्ल्ड मैप में जो हमारे जर्नल हमने अभी देखा है कि कितने कंट्रीज हैं और पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से कितने कंट्रीज आते हैं। देन कॉन्टिनेंट्स हम पढ़ रहे थे, तो कॉन्टिनेंट्स के मेन पॉइंट्स, कॉन्टिनेंट के डिफरेंट नेम होते हैं, उनको डिफरेंट नेम से पुकारा जाता है, ये सवाल आ चुका है पहले भी। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, अभी पढ़ा हमने 7 कॉन्टिनेंट्स हैं दुनिया में। ठीक है, सबसे बड़ा एशिया है, और एंटार्क्टिका ऐसा कंट्री है जिसमें कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई कंट्री नहीं होती है। एंटार्क्टिका बिल्कुल पूरा बर्फ से जो है ढका हुआ है, उसमें सिर्फ रिसर्च होती है, कोई कंट्री या कोई लोग नहीं रहते वहां पे। अफ्रीका को मोस्ट मल्टीलिंगुअल कंट्री कॉन्टिनेंट कहा जाता है, क्योंकि इसमें दुनिया में सबसे ज्यादा जो जबानें हैं इस कॉन्टिनेंट में बोली जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया ऐसा कंट्री है जहां कॉन्टिनेंट है जहां पे कोई ग्लेशियर नहीं है। यूरोप ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पे कोई डिजर्ट नहीं है। ठीक है, यूरोप में कोई भी डिजर्ट नहीं है, ये भी एक कॉन्टिनेंट है। एंटार्क्टिका के डिफरेंट नेम्स हैं जिनको बुलाया जाता है। एंटार्क्टिका को व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, एंटार्क्टिका को कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रिसर्च होती है। फॉरगेटन कॉन्टिनेंट भी इसको कहा जाता है। ठीक है जी, देन अफ्रीका के जो नेम है उसमें डार्क कॉन्टिनेंट आ जाता है। इसको डार्क कॉन्टिनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि अफ्रीका सबसे बाद में जो है लोग गए थे, अफ्रीका पहले नहीं जाते थे, तो इसलिए उसको डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता था। क्रेडल ऑफ मैनकाइंड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, यूनिको है, हेरिटेज साइट 1999 में ये बना था और इसको नाम दिया गया था। साउथ अमेरिका ये बर्ड कॉन्टिनेंट इसको कहते हैं, क्योंकि दुनिया की
लाखों जो है स्पेशीज बर्ड्स की जो है वो यहाँ पे आपको मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा जंगल जो है यहीं पे एमेजोन रेन फॉरेस्ट, ये साउथ अमेरिका में है। एशिया एशिया में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं तो इसको कहते हैं होम ऑफ मैन, ठीक है। एंटार्क्टिका में कोई टाइम जोन नहीं होता। अब ये टाइम जोन क्या है ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, आपको ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी तो टाइम जोन को पूरा आपको एक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी जो सबसे ऊपर हाईएस्ट पॉइंट है उसको कहते हैं माउंट एवरेस्ट, ये एशिया कॉन्टिनेंट में आती है, नेपाल में है। और लोवेस्ट पॉइंट भी एशिया में सबसे कम नीचे वाली पॉइंट जो है वो है डेड सी, ये डेड सी जॉर्डन और इसराइल के बॉर्डर पे है, तो ये लोवेस्ट पॉइंट है, इसको लोवेस्ट एलिवेशन भी कहा जाता है डेड सी को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, की पॉइंट थी जो आपको पता होने चाहिए थे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। देन आते हैं ओशियंस में, तो पांच ओशियंस है, ठीक है। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं ये वाली जो है ये, और यहाँ पे ये पैसिफिक आपस में मिले हुए हैं यहाँ इस साइड पे, ये दोनों ये पैसिफिक है। बीच में आता है समंदर अटलांटिक ओशन है, ये हमारे पाकिस्तान और एशिया के नीचे इंडियन ओशन आता है। यहाँ पे एंटार्क्टिका के आसपास जितना ही पानी है इसको सदर्न ओशन कहा जाता है, और बिल्कुल ऊपर जो है इसको आर्टिक ओशन कहते हैं। तो टोटल पांच ओशन है, पांच महासागर हैं दुनिया में, ठीक है। तो इनको याद करने का तरीका क्या है, आपको वर्ड एक न्यूमेनिक है पैसा, ये पैसा वर्ड आप याद कर सकते हैं। पैसा से पी से पैसिफिक होगा, ए से अटलांटिक होगा, आई से इंडियन होगा, एस से सदर्न होगा और ए से आर्टिक ओशन होगा। तो पैसा वर्ड अगर आप याद रखते हैं तो आपको पता लग जाएगा पी पैसिफिक मतलब पहला जो सबसे बड़ा है पैसिफिक है, दूसरा बड़ा ओशन अटलांटिक है, तीसरा बड़ा इंडियन ओशन है, फोर्थ पे सदर्न ओशन है और फिफ्थ है आर्टिक ओशन है। तो पांच ओशन है दुनिया में, ये आपको याद रखने हैं, यहाँ से सवाल आ सकते हैं। तो जब हम मैप पढ़ते हैं तो मैप पढ़ने से पहले आपको बेसिक एक चीज याद होनी चाहिए कि आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। कोई भी चीज हो तो आपको पता हो कि यहाँ पे इसका डायरेक्शन कहाँ पे है। लेट सपोज नॉर्थ है तो जो भी चीज ऊपर होती है उसको नॉर्थ कहते हैं, जो चीज नीचे होती है उसको साउथ कहा जाता है। अगर आप बुक पढ़ रहे हैं या लैपटॉप पे देख रहे हैं मोबाइल पे देख रहे हैं तो आपकी राइट साइड पे ईस्ट आएगा और लेफ्ट साइड पे वेस्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें एक लड़का है, तो अगर हम कहें कि लड़के लड़के के ये माउंटेन किस साइड पे आएंगे तो ये लड़के के माउंटेन जो है ईस्ट पे होंगे, ठीक है। इसी तरह ये कार को देखेंगे तो ये कार ऊपर है तो ये लड़के के नॉर्थ में कार जो है मौजूद है। तो इस तरह आपको डायरेक्शन का पता होगा तभी आप कंट्रीज के नेम्स वगैरह जो है, या इस तरह सवाल आए हैं पहले भी एसपीसी में एक सवाल आया था कि पाकिस्तान जो है साउथ एशिया कंट्री है, बस साउथ एशिया में किस साइड पे है, तो पाकिस्तान नॉर्थ पे है, ईस्ट पे है, वेस्ट पे है। तो आपको जब मैप देखेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान जो है नॉर्थ और वेस्ट साइड पे आता है साउथ एशिया में, ठीक है जी। इस तरह इंडिया के बारे में पूछते हैं तो इंडिया पाकिस्तान के ईस्ट में आता है। फिर लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं या लेटिट्यूड क्या होते हैं, देखें लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये इमेजिनरी लाइन है, मतलब ये हमारे अर्थ पे ऐसे ही कैलकुलेशन की वजह से डेटा की वजह से बनाए गए हैं ताकि आप सही से डेटा कैलकुलेट कर सकें या लोकेशन ट्रेस कर सकें। जीपीएस आप सुनते हैं अक्सर, जीपीएस क्या करता है ये लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को ही जो है वो उसके हिसाब से आपको लोकेट करता है कोई भी पोजिशन होती है। तो यहाँ पे जो लेटी हुई लाइन है इसको लेटिट्यूड कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा जाता है, दूसरे हैं वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, ठीक है। ये दो लाइन है, दो टाइप की लाइन है जिसमें एक लेटिट्यूड है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ा लेटिट्यूड है इसको कहा जाता है इक्वेटर, ठीक है जी। ये इक्वेटर जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा लेटिट्यूड है, उसके अलावा दूसरे भी लेटिट्यूड हैं जो हम पढ़ेंगे। इक्वेटर को याद रखना है, इक्वेटर दुनिया को दो हेमिस्फेयर में जो है वो डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। यहाँ पे ये पांच लेटिट्यूड हैं जिसमें इक्वेटर आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ सर्कल है, आर्टिक सर्कल है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है और नीचे एंटार्क्टिक सर्कल है। ये सबको हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ आपको पता हो कि ये लेटिट्यूड्स हैं क्योंकि इनको डिटेल में अलग से एक लेक्चर है पूरा इस पे, ठीक है जी। फिर लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है जिसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, ये अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है। तो इस पे पूरे लेक्चर हैं, आपको वो डिटेल में कॉन्सेप्चुअल वे से पढ़ाए जाएंगे क्योंकि आज इंट्रो है तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ पर है, और आपके क्योंकि एंड में क्वेश्चन लेने हैं तो सिर्फ 10 मिनट बचे हैं हमारे पास, थोड़ा जल्दी करते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पर इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन ये दोनों जो है लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलते हैं इस जगह को कहते हैं, यहाँ पर ये अटलांटिक ओशन में जगह है गल्फ ऑफ गिनी में, ठीक है जी, नल आइलैंड इसको कहा जाता है। तो नल आइलैंड पे ये दोनों आपस में मिलते हैं, क्या इक्वेटर और यहाँ पे ये वाला जो लाइन है इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन। तो ये दोनों लाइन आके यहाँ पे मिलती हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बिल्कुल पास में ही, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली लाइन है, यहाँ पे ये नल आइलैंड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों लाइंस मिलते हैं। तो ये थोड़ा इंट्रो था आज के मैप का, थोड़ा जल्दी जल्दी हमने किया है बट क्योंकि आपको बताना है कि हमारा पूरा पैटर्न किस तरह होता है लेक्चर का। अब देखें हमने एएसआई के टेस्ट पास पेपर देखे, तो आज के लेक्चर में हमने जो पढ़ा ना वो उसमें यहाँ पे ये सवाल है जो आपको पास पेपर में आए और आज ही के लेक्चर में ये हमने चीजें पढ़ी हैं। तो वीटो पावर कंट्रीज बताया पांच है, यूएनओ कब हुआ था एस्टेब्लिश ये भी बताया, ये आज के लेक्चर में था। ये एएसआई के टेस्ट में आ चुके हैं सवाल, ये एक और सवाल आया है एएसआई के टेस्ट में कि इंडिपेंडेंट कंट्रीज कितनी है, तो 195, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये सवाल है कि वीटो पावर किस कंट्री को नहीं है, तो हमने पढ़ा यूएसए यूके और फ्रांस जो है इनको वीटो पावर है, कैनेडा को नहीं है, ये सवाल भी एएसआई के टेस्ट में आया है। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एरिया वाइज कौन सा है, ये भी हमने पढ़ा एशिया है। तो ये सारे सवाल इसी लेक्चर से पिछले जो एएसआई के टेस्ट हुए हैं वहां से आए हैं। उसके अलावा एसपीएससी के
टेस्ट में जो दूसरे टेस्ट हुए थे डिफरेंट पोस्ट के लिए एसपीएससी टेस्ट लेता है, तो वहां से जो सवाल आए आज के लेक्चर में ये सारे सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं। सिमालेस कंट्री कौन सा है दुनिया का, सिमालेस रिपब्लिक कंट्री कौन सा है दुनिया का, लार्जेस्ट ओशन कौन सा है दुनिया में, कौन सी लाइन है जो साउथ और नॉर्थ हेमिस्फेयर में अर्थ को डिवाइड करती है, इक्वेटर की बात कर रहे हैं, ये भी अभी बड़ा क्रेडिट ऑफ मैनकाइंड कौन से कॉन्टिनेंट को कहते हैं, ठीक है जी, कॉन्टिनेंट जिसमें कोई डिजर्ट नहीं होता, ये भी हमने पढ़ा, लोएस्ट एलिवेशन ऑफ अर्थ अभी जो डेड सी का बताया, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट कौन सी है माउंट एवरेस्ट है, ये सारे सवाल जो आज के लेक्चर में हमने पढ़े हैं ये सारे एसपीएससी के डिफरेंट पेपर में आ चुके हैं, और ये वाले तो आपके एएसआई के पेपर के पास पेपर में जो है वो एमसीक्यूज हैं जो आज के लेक्चर में हमने पढ़े हैं। तो यहाँ से इस तरह आपको पास पेपर की पूरी चीजें बताई भी जाएंगे और उससे रिलेटेड चीजें पढ़ाई भी जाएंगे एंड में, तो हर एक टॉपिक में जीके साइंस मैथ्स इंशाल्लाह ऐसे को हम देखेंगे, ये सारी चीजें आपको हमारे क्लासेस में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे एंड में हमारा आता है क्विज, तो जितना कुछ भी हमने पढ़ा लेक्चर में जो भी पढ़ेंगे तो एंड में आपको इस तरह प्रैक्टिस के एमसीक्यूज दिए जाएंगे, ये 13 एमसीक्यूज हैं, इसको आपने सॉल्व करना है और फिर आपने मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करके बताना है कि आपने कितने सही किए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये पूरा लेक्चर खत्म होता है, आज थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको सवाल पूछने हैं, आपके सवाल आप जो है अभी पूछ सकते हैं, आप जितने भी सवाल हैं आपके पास 5 मिनट रह गए हैं, 5 मिनट में सारे सवाल पूछने अपने जितने भी जो है मैं कोशिश करूंगा सबके जवाब दूं। तो यहाँ पे देखें आप लोग कह रहे हैं फीस, तो तारिक भाई फीस तो बताई थी 1500 पर मंथ है, टीचर्स के बारे में बता दिया, आवाज नहीं आ रही तो आवाज आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं, जैसे फकीर भुटो क्या कहूँ यार, वो इंसान ही नहीं है, पता नहीं क्या है, बहुत शिकायतें आ रही हैं इसके बारे में, ये छापता है नोट्स, उसके अलावा दूसरे भी लोग हैं जो आपके शेयर शेयर करते हैं, सिर्फ पीडीएफ शेयर करते ही जाते हैं, वो कम पैसे लेते हैं बट ये बुक बनाता है यार किसी का, कितनी फीस, तो भाई 1500 पर मंथ है डियर स्टूडेंट सर, फेसबुक मटीरियल व्हाट्सएप पे शेयर, हाँ मटीरियल मैं शेयर करता हूँ, कोशिश करता हूँ बहुत कम मटीरियल शेयर करूँ लेकिन अथेंटिक करूँ, मेरा ये मानना है कि जब तक आप खुद से नोट्स नहीं बनाते तब तक आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे, लोगों के नोट्स को छोड़े ये सारे लोग जो है कॉपी पेस्ट करते हैं, मैं आपको इतने नोट्स अगर दूं ना कहूं कि आपको नोट्स देना चाहूं तो मेरी पूरी ट्राइस बड़ी पड़ी है, वो नोट्स मैं खुद के पढ़ने के लिए करता हूं ताकि वहां से इंपॉर्टेंट चीजें निकाल कर आपको दूं, किसी भी टीचर का ये काम होता है वो मेहनत करे, पैसे लेता है तो मेहनत करे, ऐसा ना हो कि बस लकीर का फकीर हो और पैसे ले और बस ऐसे ही मिस गाइड करे आप लोगों को, तो मैं आपके साथ मेहनत करता हूँ, आपकी जितने भी ये सारे नोट्स हैं गाइड्स हैं ऑथेंटिक जो वेबसाइट है सबको मैं पढ़ता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें निकाल कर ही आपको देता हूँ, प्रैक्टिस तब होगी जब आप पहले पढ़ेंगे, पहले तो पढ़ना है ठीक है, उसके बाद जब कोर्स खत्म होगा ना उसके बाद आपको भी टाइम मिलेगा, और हर एक जो है डेली बेसिस पे आपके टेस्ट लिए जाएंगे, 100 MCQs नहीं, आपको 100 MCQs दे सकता हूँ, उसके बाद जो है देखिए आपका अनफॉर्चुनेट ये है कि मैंने फ्री में आपको डेली बेसिस पे सर्विस दी थी कि आपको ऑथेंटिक बुक से भेजू, वहां से आप पढ़े फिर आपको टेस्ट लू, आप में से कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था, आप लोगों के लिए मेहनत करो, आप कुछ नींद में पड़े हो, 1000 लोग थे, 2-3 ही जो 1000 में से 2-3 लोग जो है रेस्पॉन्स कर रहे थे, तो इस वजह से वो मैंने बंद कर दी चीजें, तो वो आपने अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो आपने मिस कर दी, तो आप पेड ग्रुप पे पैसे देंगे तो आप पढ़े ना पढ़े, मैं तो पढ़ाऊंगा ना।